दोस्तों ये है लक्ष्मण सिंह सोडा की हवेली, तरह से दोनों देशों के बीच। और दोस्तों यहाँ पे आज भी आप गधे गाड़ी का सिस्टम आज भी देखने को मिलेगा। ये पानी उठाते हैं, जीरा है आपके पास? जीरा कितने किलो? जीरा यहाँ पे जो है मिर्ची बहुत ज्यादा महंगी, कितने किलो है? मेरा नाम बीरम। बीरम जी हाँ, बीरम नाम है। तो भाई यहाँ पे आपको पैंट शर्ट नहीं है, दूसरा ये मिलेगा ड्रेस, सलवार और कमीज। कमीज इस शॉप वगैरह पुराने जमाने को उस तरह की। ये है पुराने जमाने की मार्केट। नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा एकदम मस्त होंगे। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ चाचर शहर की मशहूर हवेली ठाकुर लक्ष्मण सिंह सोडा की हवेली पे। तो काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थे हमें दिखाओ, तो आज मैं आया यहाँ पे। और इसके बाद भी और नई नई चीज़ें आपको दिखाता हूँ चाचर शहर के बारे में। दोस्तों ये है लक्ष्मण सिंह सोडा की हवेली, और हवेली की दोस्तों रिपेयर करके न्यू बनाई गई है, और राणा आमिर सिंह ने बनाई है। तो पहले तो डिज़ाइन दूसरी तो मैंने नहीं देखी, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, तो इस तरह कुछ बनी हुई है। और इसमें कुछ खास दिखाने के लिए नहीं, पहले की तरह तो नहीं, अभी जो इसको न्यू बनाया गया। और सामने यहाँ पे सवाई सिंह का शायद आज वर्सी है, मेला वगैरह है वहाँ पे, हमारे हिंदू कम्युनिटी आए हुए हैं। और ये आप देख सकते इस तरह की हवेली है। दोस्तों लक्ष्मण सिंह सोडा की हवेली 1936 में बनाई गई। और लक्ष्मण सिंह सोडा की अगर आपको हिस्ट्री इनके बारे में पता है, तो ये थरपारकर ज़िले में कितने मशहूर थे, और 1969 से दोनों देशों के बीच में तनाव शुरू हुआ और ठाकुर लक्ष्मण सिंह सोडा हिंदुस्तान चले गए। और अब हवेली की देखभाल राणा आमिर सिंह करते हैं। और पुरानी थी, अभी न्यू बनाया गया, कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए तो नहीं है। भाई आ गए हवेली से वापसी, और वहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं था, अभी जा रहे हैं बाज़ार। और आज भी आप लोगों को कुछ नई नई चीज़ें दिखाएंगे, इंटरेस्टिंग जो भी नई नई चीज़ें होंगी वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये है शाही बाज़ार, ठीक है। शाही बाज़ार की आप लोगों को मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कई बार, बट आज सोचा भाई न्यू तरीके से आज भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आज जो भीड़ ज़्यादा लग रही है यहाँ पर, तो छाछरो शहर जो है पूरा थरपारकर ज़िले का हब है, यहाँ पे जो है पूरे गांव के यहाँ पे आते हैं। तो भैया यहाँ पे ठेले पे जो है ना हमारे थरपारकर की चीज़ें बिक रही है, जैसे ये चिबड़ काचर बोलते हैं, और ये चिबड़ियाँ, ये कितने किलो है? 50 रुपये किलो, बट हमारे खेत में फ्री है, ठीक है। ये यहाँ पे ये इसको हम चिबड़ी बोलते हैं, इसको चिबड़ बोलते हैं, और दूसरी मारवाड़ी लैंग्वेज काचर भी बोलते हैं, काचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भाई यहाँ पे रस छाछर सिटी में रस आपको ज़्यादा दिख रहा है। तो भाई ये है पुराने ज़माने की मार्केट, ये देख सकते हो आप। दोस्तों इस वक्त यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो है सब्ज़ी वगैरह इतनी खास नहीं दिखने को मिलेगी, क्योंकि थरपारकर में जो अपने यहाँ पे सब्ज़ी हुई है, जिसको हम काचर और चिबड़ी वगैरह फली, मूंगफली, ग्वार की फली, वो ज़्यादा होगी, इस वजह से आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादातर सब्ज़ी के ठेले वगैरह आपको नहीं दिखने को मिलेंगे। तो भाई अभी आ चुके हैं यहाँ पे समोसों की शॉप पे, और यहाँ पे भाई गर्मा गर्म बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं भाई, और आप लोगों को दिखा रहे हैं किस तरह जो है ये बनाते हैं यहाँ पे। और अभी भाई इसमें तेल गरम हो रहा है, घी जो ना अभी गरम हो रहा है। इधर अभी तैयार होने वाले समोसे, और इस तरफ भाई लगे हुए हैं पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े। प्लेट साफ करें, ठीक है। ये पकोड़े और यहाँ पे समोसे। इधर भाई पकोड़े बन रहे हैं, और समोसा, एक समोसा कितने का है? 25 रुपये का एक। और इसका क्या है, पकोड़े क्या हिसाब है? पकोड़े 500 रुपये किलो है, 130 रुपये पाव है। 500 रुपये किलो, तो भाई 500 रुपये किलो यहाँ पे पकोड़े हैं, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी महंगाई है। भाई आप ये शॉप की लुक देख सकते हो, पुराने टाइम की जो है ना उस तरह की शॉप की जो है लुक है। और इस तरह भी दूसरे शॉप वगैरह पुराने जो है पुराने ज़माने के उस तरह के सारे शॉप, तो देख सकते हो। तो भाई इधर जो है कपड़े मिल रहे हैं, आप लोग बोलते हैं पैंट शर्ट, यहाँ पे जो है ज़्यादातर आपको जो है ऐसे कपड़े मिलेंगे। नाम क्या है आपका? नाम मेरा नाम बीरम। बीरम जी हाँ, बीरम नाम है। तो भाई यहाँ पे आपको पैंट शर्ट नहीं है, दूसरा ये मिलेगा ड्रेस, सलवार और कमीज। कमीज। अच्छा ये यूज में होते हैं, क्या होता है? यूज में होते हैं। कितने का मिलेगा ये? इसमें एक साइज नहीं है। हाँ, डिफरेंट मुख्तलिफ जी हाँ। अच्छा तकरीबन 500 मिल रहा है, 600 में, 700 में, 300 में। अच्छा जितने साइज हो उतने हिसाब से जी हाँ। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को जो है पूरे इस तरह की ड्रेस आपको दिखने को मिले, पैंट शर्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर आपको टोटली सलवार और कमीज पहनने वाले आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कल्चर है इस तरह, ठीक है। ये देखो जो भी आप यहाँ पे देखोगे सारे को जो है आपको इस तरह दिखने को मिलेगी, टोटली यूज कंडीशन में सलवार और कमीज आपको दिखने को मिलेगी। काफ़ी लोग बोलते हैं यहाँ पे जो है पैंट शर्ट वगैरह नहीं,
टोटल आप जो भी आप यहाँ पे लोग देखोगे आपको सारे आपको उसको जो है सलवार और कमीज में दिखने को मिलेंगे। ये जो थरपारकर ज़िले में आता है हमारा शहर छाछरो, और यहाँ पे आप देखते हो टोटली जो है ना आपको सलवार और कमीज, और इस तरह आपको यहाँ पे बिरयानी के ठेले दिखने को मिलेंगे सारे जो है इस तरह ठेले होंगे। देख सकते हो किस तरह पुराने ज़माने के हैं, वैसे आज तक जो वही चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे आज भी आपको जो है गधे गाड़ी का सिस्टम आज भी दिखने को मिलेगा। देखो यहाँ ये जो है पानी उठाते हैं शहर से जो है दूसरे जगह पर पानी पहुँचाते हैं, तो इस तरह जो है गधों पे। और इस तरह आपको यहाँ पे बिरयानी के ठेले दिखने को मिलेंगे सारे जो है इस तरह ठेले होंगे। देख सकते हो किस तरह पुराने ज़माने के हैं, वैसे आज तक जो है वही चल रहा है। तो देखा जैसे बिरयानी के ठेले वगैरह, यहाँ पे आप बिरयानी जो है सादी छोले वाली दिखने को मिलेगी, चिकन वगैरह नहीं होगा, प्योर जो है छोले वाली सादी होगी। तो भाई ये जो है लोअर कम्युनिटी सारे यहाँ पे आपको जो है टोटल यहाँ पे शॉप दिखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है थरपारकर में खेती का रिवाज है। जैसे छोटी चीज़ें ये डाटे हो गए और भी चीज़ें जो है ये बनाने के लिए टोटल जो है यहाँ पे ये पूरी जो है मार्केट लोहार की है, लोहार कम्युनिटी की उनकी जो है मार्केट है। भाई आपको जो है इस तरह यहाँ पे ठेले दिखने को मिलेंगे, जैसे चीज़ें वगैरह, ये भाई ये मिर्च भाई ले रहा है, तो यहाँ पे जो है मिर्ची बहुत ज़्यादा महंगी, कितने किलो है ये? 850 रुपये किलो दोस्तों मिर्च यहाँ पे, ठीक है। लौंगी ओरिजिनल मिर्च 850 रुपये किलो, जिसको हम यहाँ पे बोर मिर्च बोल, ये और ये जीरा है आपके पास, जीरा कितने किलो है? जीरा 700 रुपये पाव, तो भाई 700 रुपये पाव यहाँ पे ये है जीरा, एक नंबर भाई। तो भाई छाछरो शहर में पहली बार मैंने जो है बर्गर वाला देखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है बर्गर, ये कितने का? 30 का भाई, 30 रुपये का बर्गर है। तो इस टाइप से आप, ठीक है, तो भाई इस तरह जो है बर्गर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये रेड और दूसरी वो वाइट चटनी साथ में। तो भाई अभी जा रहे हैं घर पे वापसी, और शहर में काम वगैरह था वो हमने किया। इवनिंग के टाइम जो है आपको इस तरह साइड में जो है देख सकते हो जैसे लोग बैठे हैं, ये खाट बाहर निकाल के बैठे रहते हैं। अभी जा रहे हैं घर पे वापसी। तो भाई आ गए हम घर पे वापसी, और आज के व्लॉग में आप लोगों को छाछरो शहर की कुछ नई नई चीज़ें दिखाएं, जैसे लक्ष्मण सिंह ठोडा की हवेली। तो काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी हमें दिखाओ, तो हवेली तो पहले की तरह नहीं, अभी उसको जो है रिपेयर करके राणा हमीर सिंह जो न्यू बनाई है, तो काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट से आप लोगों ने दिखाया, तो उसके बाद भी और नई नई चीज़ें आप लोगों को आज के व्लॉग में दिखाई। आशा करता हूँ हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार उनसे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं आपको एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी भाई को जय श्री राम और गुड बाय।